बेटी के जन्म लेते ही उसके दहेज के लिए पिता अपने खून पसीने की कमाई दिन रात की पाई पाई इकट्ठी कर कन्यादान के साथ दहेज देने में बिल्कुल संकोच नहीं करता। ससुराल पक्ष की मांगों के आगे सर झुकाकर खड़ा रहता है, तो वही दूसरी ओर दहेज के लालची लोग बेटे की बोली लगा अपनी अपेक्षाओं को और बढ़ाने लगते हैं। यही कारण है जिस दहेज को आज समाज ने अपनी बाहें फैलाकर गले लगाया है, उसी की भेंट कई बेटियां चढ़ती थी हैं, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे भी चढ़ती रहेंगी। एक ऐसा मामला नूह जिले की नई अनाज मंडी से सामने आया है, जहां पिता ने पूरे जीवन की कमाई बेटी की दहेज देने में खर्च कर दी और ससुराल पक्ष ने रिश्ते से ये कहकर इनकार कर दिया कि उन्हें तो गाड़ी और महंगा सामान चाहिए, नहीं तो दिया हुआ सामान भी अपने पास रखो। शादी के कार्ड बट गए, रिश्तेदार समारोह में सम्मिलित होने के लिए आ गए, हलवाई बैठ गए, दुल्हन दूल्हे का इंतजार करती ही रह गई, लेकिन खबर आई तो ये कि अब शादी नहीं हो सकती। साहबुद्दीन के मुताबिक 1 जुलाई को उनकी बेटी की शादी होनी थी। दहेज का सामान लेने के लिए लड़के वालों को ही वो साथ लेकर गए थे, सब उन्हीं की पसंद का था, लेकिन फिर अचानक फोन आया कि आपने हल्का सामान दिया है, या तो भारी और अच्छे सामान के साथ गाड़ी भी दो। उन्होंने लोन लेकर अपनी बेटी की शादी के लिए दहेज का सामान इकट्ठा किया था, लेकिन आज सुबह ही फोन आया कि लड़की पक्ष ने सारा सामान नूह की नई अनाज मंडी में रखवा दिया है। रिश्ता टूटने पर मायूस हुए लड़की के भाई की माने तो लड़के पक्ष ने 4 लाख के साथ साथ स्विफ्ट डिजायर गाड़ी की भी मांग की थी, वो देने में असमर्थ थे। ये सब एक सदमे के जैसा है, वो इसकी शिकायत थाने में देने की बात तो कर रहे हैं ताकि उनकी बहन को इंसाफ मिल सके। बेटी की शादी में पिता बेशक खुद बिक जाए, लेकिन ससुराल वालों का मान कभी कम नहीं होने देता, उनके सिर आगे झुकाकर खड़ा रहता है। दहेज की आग में ना जाने कितनी बेटियां ही नीलाम होती आई हैं। समाज आज भी दहेज का खुली बाहों से स्वागत कर रहा है, ये विडंबना नहीं तो और क्या है। क्या नाम है जी आपका? साहबदेंद्र नाम। साहबदेंद्र जी, आज जो सामान है किस वजह से यहाँ पर पड़ा है, क्या कारण है? ये सामान उन्होंने कोई थोड़ा सामान है तो हम लोग हम सामान और दे और किना दे रहे, मैंने तुम काल किना लो सामान, तुम काल भरवाओ हमने उन सामान। और काल कहता हमन सुतो जा रहे हैं, काल होते जब से लेकर चले गए फिर घर जाकर उन्होंने कहा हम उन पर भैया पतना। किसकी शादी थी, कब की शादी? मेरी लड़की की शादी 1 तारीख की आने वाली, जो 1 तारीख है 7 महीने 1 तारीख की मेरी लड़की की शादी। ठीक है, और आराम से अब जा रहे हैं। अब तो जब सामान मैंने भरवा दिया, मेरे पहले सामान मेरे कुछ सामान अपने मैं अपने घर को ले जाए, सीधो बात जो हुआ है मेरे घर है, मैंने अपने टेंट वेंट सब कुछ कर रखो और हलवाई पलवाई भी मैंने कर रखे हैं। और आ जाए जब जब अब कहा को ना बोल, जब फोन जब आया अब सामान तेरे हूँ पड़ो, मैं जब जाकर लेकर आया हूँ भगवान। मैं तो हूँ फोन किया था आपको, फोन करो इरफान ने, क्या सामान आ रहा तैयार सामान आ रहा है, एक बहाने एक वही रिश्ता करवाओ, एक बहाने कहा नामक जैनम कहा जैनमक नाम जैनमक नाम क्या कहा था? हमारे सामान थोड़ा दिन हमें कर तमन जब तो नुके ही हमें तो बेटी बेट चाहिए, हमारे तो कुछ ना चाहिए, हमें तो हमारे कोई मांगना है या तम झोली वोटी मकल मेरे मैं भी बीमार हुए पड़ो, मेरी बीमारी में रुपया लगे पड़े सट्टे टे कोई फायदा सारे हो। आज जब लेकिन तू रिश्तों कर तो कोई बात नहीं, चाहे 2 साल में कर दीजिए ब्याह, मैंने रिश्तों कर दिया नौ में रिश्तों करो जहीन, और फिर जा बस पीछे जाए अभी नुक तू ब्याह कर अभी कर ब्याह में रुपया ना, फिर जनाब मैंने लोन निकलवाई अपनी जमीन पर घास डेसू 7 तारीख 5 महीने 7 तारीख में नौ निकलवाई वो कागज मेरे पे कागज हंगवा के अब मैंने अपनी बैग तैयार करी अब अगर एजेंटी हो आए सामान वापस कर दिए। आपका नवीन जी, नवीन भाई क्या था पूरा मामला, सामान आपका यहाँ पर है, क्या कहना है इसलिए? जी हमने मालव गांव में अपने बहन की सगाई करी थी, तो उसके बाद में हमने ब्याह भेज दिया, ब्याह भेजने के बाद में वो जो सामान था वो हमने वो बुलाए भी अपना सामान ले लो दहेज का, उन्होंने कल वो नूह आए थे, नूह आने के बाद में हमने ये सारा सामान उनकी पसंद से सामान दिवाया था, अपनी गाड़ी करके लेकर आए थे वो सब, उन्होंने हमारे साथ में सामान रखवाया था। घर ले जाने के बाद में फिर उन्होंने हमको कॉल की कि हमको तो ये सामान हल्का सामान, हमको तो ज़्यादा सामान चाहिए और बड़ी गाड़ी चाहिए और 4 लाख की नकदी चाहिए, अगर ये हो तो हम रिश्ते रखते हैं, नहीं तो हम बारात नहीं लेकर आएंगे। 1 तारीख की 7वें महीने में 1 तारीख की शादी है जनाब, आज 27 तारीख 3 दिन शादी के रह रहे हैं, तो उसके बाद में हमने उनसे कहा भी मैंने कि भाई बैठ के बात कर लो, हम तो गरीब आदमी हैं अपना जमीन वमीन रख के तो अपने ब्याह शादी कर रहे हैं लड़कियों की, तो उन्होंने ये बात नहीं मानी, उन्होंने नहीं हमको तो ये सामान चाहिए चाहिए, अगर दो तो ठीक है नहीं तो अपना सामान यहाँ भी ले जाओ।
तो हमने आज उनको टाइम दिया था, टाइम देने के बाद में हम इतने घर से ना आ पाए, इतना कॉल आ गई आपका सामान अनुमान आज मंडी में पड़ा अपने को ले जाओ, हमको तुमसे रिश्ता नहीं रखना, करिए सामान हमारी डिमांड पूरी नहीं करते हो। तो ये था वो सारा दहेज का ही मामला सर। अगर उनको दहेज अब इस गरीब आदमी जब हम कहाँ से दहेज दें अपने बालक बच्चों को, अपने आप को कैसे पाल रहे हैं जी भाई। जो सगाई मालव गांव के रहने वाले पीछे से आके नौ से रखे हैं जी, मालव गांव में रहते हैं। तो लड़के का नाम वो नौसाद है और उसके बाप का नाम साहबुद्दीन है, माँ का नाम वसीला, माँ का नाम वसीला जी, ये मालव गांव में रहते हैं। तो किस तरीके की आप डिमांड कर रहे हैं? वो डिमांड कर रहे हैं जी सारा, तो हमको सागवान का तो पूरा फर्नीचर चाहिए। अच्छा। और पूरी तगड़ी चद्दर में संदूक, हम बाइक की उनकी बात थी, हम बाइक देने की बाइक भी देते हैं उनको, अब गाड़ी की मांग करेंगे, हमको गाड़ी चाहिए। कौन सी गाड़ी मांग रहे हैं? वे गाड़ी बड़ी गाड़ी डिजायर मांग रहे हैं जी। अच्छा। अब कहाँ से उनको डिजायर दें बाबू जी, अब तो अपना रोटी रोजी जन कैसे कैसे कमाते हैं, बच्चों को कैसे पालते हैं। तो पुलिस में शिकायत की आपने जी? अब 112 पे कॉल करिए जी, 112 यहाँ पे आई पड़ी है, तो अब शिकायत देंगे पुलिस को, मुकदमा दर्ज करवाएंगे, हमारे साथ इंसाफ हो बाबू जी। जो अब हम 1 तारीख को किसके सबको नौता दे रखा, सबको फोन कर रखा बाबू जी, अब किस किस को अपना पूरा टेंट का सामान सारा जो सीधा है खाने पकाने का सटेट घर पे है, घर पे सारे बालक रो राट मचा हुआ है। और अब कल से तो ईद आ रही है, जब हम ईद किस तरीके से मान पाएंगे? अगर ये सदमा हमको लग जाए, हमारी बहन की शादी टूट जाए, तो हम किस तरीके से ईद को मान पाएंगे? मैं जी आपका? मेरा नाम सुन्नति। आपकी जो बहन की सगाई हुई थी वो ब्याह था अराज सामान यहाँ अनाज मंडी में, क्या कहना है? अनाज मंडी में इसलिए है कि वे ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, ज़्यादा बड़ी गाड़ी मांग रहे हैं डिजायर, और 4 लाख कुछ नकदी मांग रहे हैं, और कुछ जो उसकी बहन है जैनम वो ज़्यादा डिमांड कर रही है, जो साबिर नाम का है वो भी ज़्यादा डिमांड कर रहा है, वो बेइज्जती करने पाए पड़ा। अगर हमारे लिए ये मिले तो हम शादी रखें, और ना तो हम ना रखें।